हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक्सप्लोर इंडिया की एक और नई वीडियो में। और आज हम आपको महलों के शहर कहे जाने वाले कोलकाता सिटी की सैर कराने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए एक्सप्लोर इंडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वर्तमान में पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता बांग्लादेश की सीमा से 80 किमी दूर हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। कोलकाता दिल्ली के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा महानगर और पांचवा सबसे बड़ा बंदरगाह है। इस शहर का नाम कोलकाता 1 जनवरी 2001 को रखा गया, जिससे पहले कोलकाता को कैलकटा और कलकत्ता के नाम से जाना जाता था। यह शहर आधुनिक भारत के शहरों में सबसे पहले बसने वाले शहरों में से एक है। ईस्वी सन 1912 तक कोलकाता भारत में अंग्रेजों की राजधानी बना रहा, जिसकी वजह से इस शहर का तेजी से औद्योगिक विकास हुआ। ब्रिटिश शासन के समय में कोलकाता को लंदन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर माना जाता था। वर्तमान समय में कोलकाता को पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। इस मेगा सिटी को पूर्व भारत का सबसे बड़ा फाइनेंशियल, कॉमर्शियल और बिजनेस हब माना जाता है। कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है, यानी कि आनंदों का शहर। 206 वर्ग किलोमीटर में फैले इस शहर में लगभग 1,40,00,000 से भी ज्यादा लोग निवास करते हैं। कोलकाता का सबसे प्रसिद्ध त्योहार है दुर्गा पूजा। नवरात्रों के दिनों में जो रौनक बंगाल में होती है वो और कहीं नहीं देखी जा सकती। पूरे शहर को सजाया जाता है और लोग धामधूम से इस त्योहार को मनाते हैं। लोगों के बीच मिठाई में सबसे प्रसिद्ध और पसंद किया जाने वाला रसगुल्ला यहाँ की मूल मिठाई है। अगर आप कोलकाता में आए हैं तो मिष्टी दोही, पाव भाजी, पुचका, काठी रोल्स, तेले बाजा, लुची आलू जैसे स्ट्रीट फूड को ट्राई करना ना भूले। कोलकाता भारत के उन कुछ शहरों में से है जहाँ पर फुटबॉल का जुनून लोगों के सर चढ़कर बोलता है। यहाँ स्थित साल्ट लेक स्टेडियम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम है। वैसे तो आज देश के कई शहरों में मेट्रो ट्रेन चलती है, लेकिन भारत की सबसे पहली मेट्रो ट्रेन कोलकाता में 1984 में चली थी। कोलकाता में ही दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मौजूद है, जिसका नाम है ईडन गार्डन स्टेडियम। कोलकाता देश का एकमात्र ऐसा शहर है जहां पर हाथ से खींचने वाले रिक्शे चलते हैं, जिसे हैंडपुल रिक्शा कहा जाता है। कोलकाता साउथ एशिया का एकलौता ऐसा शहर है जहाँ आज भी ट्राम चलते हैं। कोलकाता सचमुच ही किताबी कीड़ों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। भारत की सबसे बड़ी नेशनल लाइब्रेरी भी यहाँ पर मौजूद है। कोलकाता साइंस सिटी देश की सबसे बड़ी साइंस सिटी है। यहाँ की पीले रंग की टैक्सी भी कोलकाता की स्पेशलिटी है, जो कि भारत के दूसरे इलाकों में बहुत ही कम देखने को मिलती है। इस शहर में मानव की ज्ञान की गंगा बहती है। बड़े बड़े महानुभाव इस शहर की धरती पर जन्म ले चुके हैं। राजा राममोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर और स्वामी विवेकानंद से लेकर आज के समय के श्रेया घोषाल, अरिजीत सिंह, प्रीतम, रानी मुखर्जी, अमिताभ बच्चन, सौरव गांगुली जैसे बड़े बड़े नाम इस शहर से जुड़े हुए हैं। भारत के जितने भी नोबेल प्राइज विजेता है उनमें से केवल 6 तो कोलकाता से ही है। इस शहर में मौजूद कोलकाता पोर्ट भारत का सबसे पुराना रिवरिंग पोर्ट माना जाता है। यहाँ पर कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज भी मौजूद है, जो भारत का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कोलकाता में स्थित विशाल बरगद का पेड़ दुनिया का सबसे घना पेड़ है, जो कि 3.5 एकड़ में फैला हुआ है। ट्रांसपोर्ट के मामले में भी कोलकाता काफी आगे है। कोलकाता में दो बड़े रेलवे स्टेशन मौजूद है, जिनमें से एक है हावड़ा और दूसरा है सियालदह। हावड़ा रेलवे स्टेशन देश के सबसे बिजीएस्ट रेलवे स्टेशनों में से एक है। कोलकाता में इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी मौजूद है, जिसका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगर बात करें कोलकाता में मौजूद टूरिस्ट अट्रैक्शन के बारे में, तो सबसे पहले है हावड़ा ब्रिज। हुगली नदी के ऊपर बना हावड़ा ब्रिज देश का सबसे पुराना और सबसे बड़ा ओवर ब्रिज है, जिसे अंग्रेजों ने बनाया था। 1942 में शुरू हुए इस ब्रिज से प्रतिदिन लगभग 90,000 वाहन और सैकड़ों लोग इस पुल को पार करते हैं। रात में जब इस पर रोशनी पड़ती है तो यह पुल काफी खूबसूरत दिखता है। उसके बाद है विक्टोरिया मेमोरियल। शहर के बीच में स्थित विक्टोरिया मेमोरियल महारानी विक्टोरिया का स्मारक इमारत है। यह कोलकाता के प्रसिद्ध जगहों में से एक है। उसके बाद है अलीपुर चिड़ियाघर। अलीपुर चिड़ियाघर कोलकाता के सबसे प्रसिद्ध जगहों में से एक है। यह भारत का सबसे पुराना चिड़ियाघर है और इसमें सरीसृप तथा पक्षियों सहित जानवरों की कई प्रजातियां हैं। आप सफेद बाघ और एक सिंह वाले गैंडे से लेकर जिब्रा तथा कई प्रवासी पक्षियों तक सभी प्रकार की प्रजातियां यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद है साल्ट लेक सिटी। यह पार्क एक विशाल झील के चारों ओर बनाया गया है।
जहां आप नौका विहार कर सकते हैं और इसमें बड़े बड़े हरे थीम वाले बगीचे और विविध वनस्पति तथा पानी में रहने वाले पक्षी भी है। इसके अलावा भी कोलकाता में इंडियन म्यूजियम, दक्षिणेश्वर मंदिर, बेलूर मठ, फोर्ट विलियम, टाउन हॉल जैसे कई टूरिस्ट अट्रैक्शन मौजूद है जहां पर आप घूमने का आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो ये था हमारा प्यारा सा कोलकाता। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दीजिए। और अगर आप भी अपने शहर के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल एक्सप्लोर इंडिया को चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई सिटी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।